खबर छुपी नहीं, आपकी खबर तेजसा। मरीजों को रेलवे में सफर करने के लिए शरद पवार करेंगे मध्यस्थता। वसाई विरार में डायलिसिस व कैंसर ग्रस्त मरीजों ने स्थानीय विधायक के पास पत्र देकर मांग कर रही है कि ट्रेन से यात्रा न करने देने पर मरीजों की जान को खतरा है, कम से कम अस्पताल के कागजों को देखकर तो ट्रेन में सफर करने दिया जाए। ऐसी मांग मरीजों ने स्थानीय विधायक हितेंद्र ठाकुर से की है, जिसके चलते रेल मंत्री व मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर शरद पवार अब मध्यस्थता करेंगे। ये जानकारी विधायक हितेंद्र ठाकुर ने देते हुए बताया कि जिन मरीजों को इलाज के लिए महाराष्ट्र जाना है उन्हें रेलवे सहूलियत दे। वहीं सोनू जाधव नामक हार्ट के मरीज ने बताया कि ट्रेन में मरीजों को यात्रा करने से मना किया है। जब ट्रेन में अत्यावश्यक सेवा वाले लोग जा सकते हैं तो मरीज क्यों नहीं, जिसके चलते मरीजों को तड़प कर मरने की स्थिति आ गई है। यहाँ के जो रुग्ण है उनकी बहुत परेशानी उनको सह रही है, या तो पेशेंट या उनके रिश्तेदार, या तो हार्ट के हो, किडनी के हो, कैंसर के हो, या अन्य जो बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से अलग अलग लोग आते मिलते हैं। इसके बारे में मैंने रेलवे मिनिस्टर, पीएम साहब, डिप्टी पीएम, इन सबको नीतीश ठाकुर ने कर लिखा है आमदार या के ऐसे ऐसे पेशेंट हो और उनके कोई सहयोगी हो, मतलब जिनकी जरूरत है सहयोगी की, उन दोनों को रेल से आने जाने में अलाउ करें, क्योंकि पेशेंट एक तो बीमारी से पहले ही ऐसे तंग आ चुके हैं, उसमें उनके पास लॉकडाउन की वजह से खर्चा करने के लिए पैसा हुई और अफोर्ड भी नहीं कर सकते रोज प्राइवेट व्हीकल या एम्बुलेंस वगैरह, इसलिए ऐसे पेशेंट को रेलवे ने अलाउ करना चाहिए। हम रेलवे के कंसर्न लोगों से भी बात करें और पवार साहब से मैंने बात की, पवार साहब रेलवे मिनिस्टर से बोलने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि दिल्ली में प्रॉब्लम है ये, कि मैं रेलवे मिनिस्टर से बात करके ये अलाउ करने का उसी पूरी करूँ। अब देखना होगा कि विधायक हितेंद्र ठाकुर का प्रयास कब तक सफल होता है और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को कब राहत मिल पाती है। महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ प्रवेश पांडे के साथ मंगेश निषाद की रिपोर्ट।